हेलो दोस्तों, आज हम दिवाली स्नैक स्पेशल बाखरवड़ी बनाने जा रहे हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। मैंने एक कप मैदा लिया है, साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन का आटा, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से इसे छान लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून एकदम गरम तेल डालना है और अच्छे से मिला लेना है। अब पानी डाल के थोड़ा सा नरम आटा गूंद लेंगे। हमारा आटा गूंद के तैयार है दोस्तों। इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। तब तक मसाला बना लेते हैं। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं। अब इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। अब डालेंगे 1/2 कप सूखा हुआ नारियल, 2 टेबलस्पून मूंगफली डाली है, इसको मैंने सेक लिया था, छिलके निकाल के मिक्सी में पीस लिया था और बाद में इसमें डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हिलाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये बन चुका है, गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। फिर मिक्सी जार में डालेंगे, साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून शक्कर डालनी है और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हमारा पाउडर बनके तैयार है दोस्तों। आटे को 6 हिस्सों में बांट लेना है। अब इसे बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। फिर इसके ऊपर लगाएंगे खट्टी चटनी और हमारा मसाला। मसाला डाल के दिखाए गए तरीके से इसे रोल कर लेना है और किनारों से बंद कर लेंगे। फिर दिखाए गए तरीके से इसे अब काट लेंगे और ऊपर की साइड से हल्के हाथ से इसे दबा लेंगे। तलने के लिए डाल दिया है, तेल को एकदम स्लो आंच पे रखेंगे ताकि ये अंदर से पूरी तरह से सिक जाए। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगती है दोस्तों। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपकी ये कैसी बनी है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।